प्रेसिडेंट मेंडर से हूं। आज मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं और आज हमारा आपके सामने आने का एक ही मकसद है कि एक दो दिन पहले पशाना के अंदर जो एक हादसा पेश आया, जहां पर पशाना चौकी के अंदर जो है समीर जलानी साहब जो SHO रजौरी हैं उनके साथ जो है बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, और उसके बारे में हम आज ये कंडम करना चाहते हैं और पुलपो खुले लफ्जों में हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा एक ऑफिसर के साथ ऐसा घिनौना मजाक जो है इन्होंने लोगों ने किया है। जिन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ जो है मैं SSP पुंछ जो है हमारे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने उसी वक्त जाके वहां पर पशाना में और उन लोगों के ऊपर FIR की। और मैं उम्मीद करता हूं अपने SSP जो हमारे पुंछ हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि अगर ऐसे हमारे पुलिस ऑफिसर के साथ आज इस तरीके का जो है इन्होंने व्यवहार किया है और ये कल आने वाले वक्त में हमारे लोगों के साथ जो है कैसा व्यवहार करते होंगे। और वहां पर मैंने सुना है कि पशाना चौकी के अंदर जो है आज से नहीं, 2 साल से जो है वहां पर हमारे जो है यहां से जितने भी ट्रांसपोर्टर जाते हैं, जितनी हमारी सिविल गाड़ियां जाती हैं, चाहे उसमें मरीज होते हैं, पेशेंट जो जाते हैं श्रीनगर में और चेकअप करवाने के लिए, उनके साथ भी वो जो है हरासमेंट उनको करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों है वहां पर? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ये रजौरी और पूंछ एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूं कि वहां पर इतना जो है इतनी गुंडागर्दी और इतनी अंधेरगर्दी क्यों है वहां पर? क्या के रजौरी और पूंछ जो है ये क्या है? ये एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है ये लोग क्या ये बाहर से लोग आए हुए हैं और इनके साथ जो है बार बार जो है नाइंसाफी हो रही है? आज से नहीं बल्कि जब से मूर रोड खुली है हमारे लोगों के साथ इतनी बदसलूकी की जाती है और इतनी बदतमीजी की जाती है। वहां पर पशाना चौकी के अंदर जो भी वहां पर जो तैनात हैं वहां पर मुलाजिम, वो मुलाजिम गाल गलोच के बिना वो बात नहीं करते हैं। मैंने खुद उनकी जो है लैंग्वेज सुनी है और मैं DIG विवेक गुप्ता साहब हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका ये ऑफिसर जो है, आपकी पुलिस जो है, वो एक अच्छा काम कोरोना वायरस की इस महामारी में इतना अच्छा काम किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया कि इतना मैं कहता हूं कि किसी फोर्स ने काम नहीं किया है। लेकिन जब भी कोई प्रायोरिटी दी जाती है वो बाकी वाले मुलाजमों को दी जाती है, क्या पुलिस वाले जो हैं ये दिन और रात एक करके हमारे लोगों की सेवा में लगे होते हैं? मैं दिलबाग जो DIG साहब हैं, मैं उनसे जो दिलबाग सिंह साहब हैं DGP पुलिस, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने सर इन लोगों के ऊपर जो है ठीक तरीके से जो है इनके ऊपर कार्रवाई करनी है। नहीं तो हम लोगों ने आज ये चंद लोग हैं हम यहाँ पर खड़े हैं और आने वाले वक्त में अगर ये समीर जलानी साहब के साथ इंसाफ ना हुआ तो इंशाल्लाह हम तहसील मेंडर की जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट है हम रोड पर आएंगे। कल हमारे पुंछ का SHO जाएगा, उसके साथ भी ऐसा जो है बदतमीजी होगी। कल जब जम्मू का कोई SHO होगा उसके साथ भी ऐसी बदतमीजी होगी। देखो एक SPO के साथ कोई ऐसा गिलोना मजाक नहीं कर सकता, लेकिन हमारे एक ऑफिसर के साथ इन्होंने इतनी बदतमीजी की और हम चुप करके बैठे हुए हैं हमारे लोग। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं अपनी आवाम को कि ऐसा मजाक किसी जगह भी हो, किसी जगह भी ऐसी बदतमीजी हो तो आपको तुरंत रोड पे आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्यों कि पशाना चौकी में इतना जो है वहां पर जो है ये इन्होंने क्यों मजाक बना के रखा हुआ है, क्यों लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं? ये एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और ये हम लोगों को जो है ये तकसीम में लगे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों की प्लानिंग है जो हमारे रजौरी पुंछ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम ये रजौरी पुंछ की आवाम को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और हम आवाज उठाने वाले लोग हैं। और आज जो है समीर जलानी साहब के खिलाफ ये बात हुई है, कल हम लोगों के साथ भी हो सकती है। और इसके साथ में यही DC पुंछ और DC रजौरी और DIG विवेक गुप्ता साहब और हमारे पुंछ के जो SSP साहब हैं, रजौरी की जो SSP साहिबा है मैडम साहिबा, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे गरीब लोगों के साथ ऐसा जुल्म ना हो।